फाइनली दोस्तों NCHMCT ने निकाल दिया काउंसलिंग का शेड्यूल, और आप लोगों को बताते चलूँ इस बार थर्ड राउंड भी होने वाला है। तो ये वीडियो मैं बहुत जल्द में बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो NCHMCT काउंसलिंग 2021 के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे, जाने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और सीधे नीचे जाएंगे, और इससे आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन आएगा रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो यहाँ पे आप क्लिक करके ये कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि आपको ले चलता हूँ शेड्यूल काउंसलिंग का, कब क्या होने वाला है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड जो फाइनल राउंड, और उसके बाद चॉइस फिलिंग, सीट अलॉटमेंट क्या क्या होने वाला है, उसके रिगार्डिंग आपको मैं ले चलता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का एग्ज़ाम जो हुआ था 10 अगस्त 2021 को हुआ था, वो तो कर चुके हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थ्रू 13 तारीख से लेकर के 16 तारीख को कर लेना है, उसके बाद उसी दौरान चॉइस लॉकिंग भी कर लेना है, उसके बाद 16 तारीख तक, उसके बाद फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट भी आ जाएगा 17 तारीख को, और उसके बाद फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन आएगा, अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट भी कर देना है 17 से लेकर के 22 के बीच तक, जो 40,000 आपको पे करना होगा आई थिंक। उसके बाद अगर कोई करेक्शन करना है, कुछ भी करना है, उसके बाद वेरीफिकेशन ऑनलाइन अगर ये करना है रिपोर्टिंग सेंटर में, तो वो 22 तारीख तक कर लेना है। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है, आपको विथड्रॉल करना है, ये कॉलेज आपको पसंद नहीं आया, दूसरे कॉलेज लेना है, तो विथड्रॉल का ऑप्शन भी आएगा, जो 22 तारीख 2021 तक कर लेना है, विथड्रॉल आपको कर लेना है। उसके बाद फिर से फर्स्ट राउंड का 23 तारीख तक ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक सेकंड राउंड के लिए स्टार्ट होगा, जो सेकंड राउंड का जो ये अलॉटमेंट होगा 27 तारीख को स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर से उसी तरह न्यू पेमेंट करेंगे, पेमेंट का इसमें सेकंड राउंड में सबसे पहले आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जो 27 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच पहले पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आप लोगों को जो फर्स्ट राउंड में पेमेंट कर दिए तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जिसको कॉलेज नहीं मिलता फर्स्ट राउंड में तो उसको पहले सेकंड राउंड के लिए पहले पेमेंट करना होगा, पेमेंट करने के बाद ही आप लोग फिर से उसके बाद वेरीफिकेशन का डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, अगर आप लोगों को सीट फिर फाइनल वेरीफिकेशन विथड्रॉल फ्रॉम द अलॉटमेंट, अगर फिर सेकंड राउंड में आप लोगों को कॉलेज मिल जाता है तो उसको आप 30 सितंबर 2021 तक आप लोग ये कर दे सकते हैं, विथड्रॉल कर सकते हैं, फिर से सेकंड राउंड कम्प्लीट हो जाएगा 1/10/2021 तक, उसके बाद फिर से आप लोगों का एक ऑप्शन आएगा फाइनल राउंड। तो फाइनल राउंड में आप लोगों को पहले न्यू कैंडिडेट को ये करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर 2 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक, फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा, पेमेंट तो किया हुआ हो ही, उसके बाद फिर फाइनल राउंड का रिजल्ट अलॉटमेंट रिजल्ट आ जाएगा, वो जब आएगा तो 9 तारीख को आ जाएगा, 9 तारीख 10वां महीना 2021 को, उसके बाद फिर से आप फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट जो होगा तो ऑनलाइन ही होगा, क्योंकि आप तो ऑनलाइन ही सारा चीज़ चल रहा है, उसके बाद हॉस्टल अलॉटमेंट का भी ऑप्शन आ जाएगा 18/10/2021 को, जो हॉस्टल आपको मिलेगा, तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड एंड फाइनल राउंड होने के बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाएगा, आप लोगों को जो कॉलेज जहां मिलेगा वहां का हॉस्टल अलॉटमेंट भी हो जाएगा,